तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खीर, तो एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है और ये हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ एक पैन ले लेना है हमें, उसमें हम यहाँ 3 TSP शुगर डाल रहे हैं, इसमें चीनी डाल देनी है हमें और चीनी को डिजोल्व होने देना है। तो आप देख सकते हो हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है, तो इसे हमें कैरमलाइज करना है। जब तक ये थोड़ी सुनहरी रंग की ना हो जाए तब तक हमें इसे मेल्ट करना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है, पर हमें इसमें चम्मच वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसे खुद से ही मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हो चलो आप सिर्फ कढ़ाई थोड़ी हल्की सी हिला लो। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, देख सकते हो अच्छा गोल्डन कलर आ गया है चीनी में। अब हल्के हल्के हाथों से चम्मच की हेल्प से इसे घुमा लीजिए ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। आप देख सकते हो अब हमारी चीनी कैरमलाइज हो गई है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है वरना चीनी हमारी जल सकती है। अब बड़े ध्यान से इसमें हमें 1 कप दूध ऐड करना है। पहले हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, बड़े ध्यान से करना। अब जो हमने चीनी डाली थी वो देख सकते हैं ऐसे स्टिफ हो गई है, एक खट्टा हो गई है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। जैसे जैसे दूध में ये मिलेगी ये डिजोल्व हो जाएगी फिर से। बाकी का दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी वक्त हम इसमें साबूदाना ऐड कर लेंगे। इसमें हम लगभग आधा साबूदाना जो हमने भिगाया था वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा साबूदाना हमने बाद में डालने के लिए रख दिया। अब इसी तरह हमें इसे हिलाते रहना है, चलाते रहना है कंटिन्यू, जब तक दूध अच्छी तरह से गाढ़ा ना होने लग जाए, साबूदाना और दूध एक ना हो जाए। अभी साबूदाना हमने इसमें आधा अभी इसीलिए डाला है क्योंकि जब साबूदाना पकेगा दूध के साथ तो दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, एकदम खीर जैसा अच्छा कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और बाकी जो साबूदाना हम डालेंगे वो छुट्टे छुट्टे खीर में रहेंगे और दिखेंगे, तो उससे खीर काफ़ी अच्छी दिखेगी हमारी और टेस्ट भी हमारा अच्छा आएगा। तो हमें इसी तरह आधा साबूदाना पहले डालना है और थोड़ा सा बचा देना है बाद में डालने के लिए। तो पहले हमें इसे हिलाते रहना कंटिन्यू। अब देख सकते हो हमारे साबूदाना पक चुके, ट्रांसपेरेंट हो गए। इसी तरह हमें और पकाना है, थोड़ा सा इसे थिक होने देना है खीर को। लगभग 5 मिनट हो गए मैं इसे पका रही हूँ। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही होगी, पर जैसे ठंडा हो जाएगा ये गाढ़ा होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह हमें इसे पकाना है थोड़ी देर और 2-4 मिनट हम इसे पका लेंगे। अभी स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर हम इस पर ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 इलायची को कूट लिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साबूदाना की खीर हेल्दी भी बहुत होती है, टेस्ट वाइज भी बहुत यम्मी लगती है, और आप एक बार इसे बनाओगे तो आपके फैमिली में आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक ट्राई देना, बहुत सिंपल सी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में जल्द झटपट बन जाएगी। तो जो बाकी का साबूदाना हमने बचाया था वो भी ऐड कर लेंगे इसमें। इसे और 2-4 मिनट हम पकाएंगे। ध्यान रहे कि हमें इसे चलाते रहे ताकि दूध हमारा नीचे लगे ना। अब फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा 2-3 स्ट्रैंड फ्लेवर और कलर के लिए हम 2-3 स्ट्रैंड सैफ्रॉन के ऐड करेंगे, केसर के। इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा खीर में और फ्लेवर भी आ जाएगा। इसे तब तक पकाइए जब तक सैफ्रॉन का अच्छा कलर ना आ जाए हमारी खीर में, फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।
तो देख सकते हैं हमारी खीर गाढ़ी होने लग गई है। बस हमें इतने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है इसे। हमारे साबूदाना भी अच्छी तरह से पक गए। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। डिसर्व कर लेते हैं हम इसे। देख सकते हो, और आपको क्या बताओ, खीर में इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है रबड़ी बनी है। अब ऊपर से हम थोड़े से आलमंड और पिस्ताशियों से इसे गार्निश कर लेंगे, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और हमारी बढ़िया सी साबूदाना खीर रेडी है। आप खाइए और इंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना और ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।